इस वायुमंडल में, ब्रह्मांड के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली वस्तुएं, काम पृथ्वी के ऊपर होता है, प्रभावित वायुमंडल होता है। जिस प्रकार से आप धुआं एक कमरे में जलाओगे, बाहर बैठे हुए लोगों के ऊपर प्रभाव होगा, उसी प्रकार से आप छेड़छाड़ पृथ्वी के साथ करोगे, प्रभाव वायुमंडल में होगा। और वायुमंडल में भी कितना ऊंचे ऊंचाई पर, 20 किलोमीटर से लेकर के 40 किलोमीटर तक वहां प्रभाव होगा, क्योंकि जो वो परत है, ओजोन परत, ओजोन परत के बारे में आपने पढ़ा है, सुना है, बहुत से वैज्ञानिक घोषणाएं करते रहते हैं, उसके अंदर बड़ा सा रास्ता खुल गया जिससे सूर्य की किरणें सीधी आने लगी, मनुष्य के शरीर के ऊपर प्रभाव होता है, प्रकृति के ऊपर प्रभाव होता है, इस धरती के ऊपर प्रभाव होता है, बहुत से देशों के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जाओगे, खोज कर लेना, जब आप जाओगे वहाँ सबसे ज़्यादा स्किन की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो उसका ओजोन का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमारी प्रकृति का जो हाल है वो बहुत बुरा हो गया, नदियाँ सूख रही हैं और जो वृक्ष हैं वो कहीं आग लगा दी जाती है। आप नज़र, आज तो हम वहीं खड़े हुए हैं, नदियाँ बिल्कुल आपके सामने हैं, क्या हालत हो गई है। ये बरसाती नाले नहीं हैं, आप सोचते हो कि जब बारिश आएगी तब ये चलेंगे, नहीं, हम पिछली बहुत बार आए हैं, ये चलता हुआ मिलता था, आज से 16-17 वर्ष पहले आए थे तब ये परमानेंट था। अभी पीछे झरना लगभग बंद हो चुका है, वो झरना हर टाइम पर बहता रहता था। ये प्रकृति का प्रभाव है, और ये धरा के ऊपर जो चल रहा है, जिसको चाहे ग्लोबल वार्मिंग कहो, चाहे मतलब हमने किया हो, चाहे ये प्रकृति का प्रभाव हो, किसी भी प्रकार से क्या हो रहा है, पेड़ों के अंदर आग लगा दी जाती है, वन अब जलने लगते हैं, हमारा जो वायुमंडल है वो हम प्रभावित करने लगते हैं। आप आसपास देखोगे एसी चल रहे हैं, बड़े बड़े जनरेटर सेट चल रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बहुत छोटी सी मशीनें हैं। आप थर्मल के अंदर जा करके देखना वहाँ क्या चल रहा है, जहाँ आप रिफाइनरी के अंदर जा करके देखना वहाँ क्या चल रहा है, बड़े बड़े 100-100 फुट के, 200-200 फुट के, एक साइड से पानी आ रहा है, दूसरी साइड से कोयला चल रहा है, हर रोज हजारों टन एक साथ जला दिया जाता है वहाँ। क्या आप समझते हो कि उससे आपको कुछ पल के लिए शरीर को सुख मिलेगा बिजली से और आप संतुष्ट हो जाएंगे? क्या चल रहा है आप देखना, कितना धुआं उठ रहा है, कितना धुआं उठ रहा है। जिस गांव के आसपास ये प्लांट लगा दिया गया है थर्मल का, वहाँ ऊपर से इस प्रकार से उड़ता है वो कोयला और रात को गिर जाता है। जब सुबह पहले लोग बाहर सोते थे, आजकल तो एसीयों के अंदर सोते, पहले लोग बाहर सोते थे, जब उठते तो शरीर के ऊपर वो ब्लैक 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 सा कोयला गिरा मिलता। ये कहाँ से आ रहा है? ये हम आप लोग पैदा कर रहे हैं प्रकृति के अंदर, ये प्रकृति के अंदर छेड़छाड़ की जा रही है। जब हम इतना धुआं पैदा करेंगे, इतना धुआं पैदा करेंगे, कहीं ना कहीं जा करके तो वो नुकसान ही करेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप अपना एसी बंद कर दीजिए, लेकिन हमें या तो ऐसी मशीनों की खोज करनी चाहिए कि जिनसे ये प्रकृति के साथ जिनका संतुलन बनाया जा सके, वो प्रकृति के साथ मिल करके कार्य कर सकें, प्रकृति जिनसे प्रभावित न हो और प्रकृति के साथ हम आगे बढ़ सकें, प्राकृतिक चीज़ें नेचर के साथ जोड़ करके,
और जो ये पेड़ पौधे हर रोज लाखों करोड़ों वृक्ष काट दिए जाते हैं, करोड़ों वृक्ष जला दिए जाते हैं। अमेजोन के जंगलों को देखो आप, सबसे बड़ा जंगल बोला जाता है धरती का, वहाँ आग लग जाती है, प्राकृतिक लगा देते हैं। उत्तराखंड के अंदर भी हमने देखा, अभी हम उत्तराखंड के अंदर ही हैं, उत्तराखंड के अंदर हमने देखा कि जंगल जल रहे हैं। हम पूछते हैं ये आग क्यों लगा दी गई, वो कहते नहीं जी हमने नहीं लगाई। कि किसने लगाई है, अपने आप लग गई। अरे अपने आप कोई ऊपर से चिंगारी थोड़ी ना पड़ती है, हमारे आप जैसे लोग ही, कोई जा रहा है बीड़ी सिगरेट पी फेंक दी उसे लग गई, या कुछ लोग आसपास के गांव वाले लकड़ी के लिए जला देते हैं ताकि सरकार भी ना पकड़े और हमारा काम भी चल जाए। ये नुकसान किसको हो रहा है, ये केवल उन लोगों को नहीं हो रहा, ये पूरी पृथ्वी को नुकसान हो रहा है। नदियां सूखने लगी, नाले रुकने लगे, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं समुंदर उफाने मार रहा है, सुनामी आ रही है, ये क्या हो रहा है। ये कोई प्रकृति ऐसे नहीं करती, प्रकृति और मानव का तालमेल होता है। अगर ये तालमेल हम उनके साथ मिल करके चलेंगे तो ये तालमेल बना रहेगा। अगर ये तालमेल हमने समाप्त कर दिया, अगर हम अपने रास्ते के ऊपर चले और प्रकृति अपने रास्ते के ऊपर चलेगी, तो आप ये भूल जाना कि ये मानव की जो जनजाति है, मानव के जो ये चोला है, मानव के जो ये जितने भी शरीर है, ये बच जाएंगे, भूल जाना आप लोग। ये धीरे धीरे जिस प्रकार से अनेकों योनियां, अनेकों जीव जंतु, बहुत सी ऐसी प्रजातियां जिनको आप पहले देखते थे, आप अपने बुजुर्गों के पास बैठना वो आपको बताएंगे। पहले आपने देखा होगा गिद्ध भी दिखाई देते थे, पहले आप उनसे सुनना कि किसी किसी गांव में हंस भी दिखाई देते थे, आप उनसे सुनना किसी किसी गांव के अंदर, चीले तो हर गांव के अंदर होती थी, और चिड़ियां सुबह चहकने लगती थी। आज ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, हंस तो आपको मतलब बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ हंस दिखाई देंगे। अभी तो मानसरोवर के अंदर हैं, हम एक जगह गए हुए थे जगन्नाथपुरी के रास्ते में, वहाँ एक गांव था, वहाँ हंस थे। हमने बहुत, क्योंकि हंसों का जोड़ा होता है, बहुत कम भीड़ मिलती है हंसों की, दो से ज़्यादा बहुत ही कम मिलते हैं, कभी कभी तो एक ही हंस दिखाई देता है। तो ये जो हमारे वायुमंडल का प्रभाव है, इसे धीरे धीरे ये पशु पक्षी समाप्त होने लगे। और पशुओं के ऊपर भी बहुत क्या होता है आजकल, पशुओं का बीमार हो गए, पशु दूध कम हो गया, दूध कम देना बंद कर दिया, उनके अंदर दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, और उनके हार्मोन इनबैलेंस हो गए। ये वो नहीं कर रहे, ये जो हम खाद का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, ये हम पूरी प्रकृति के साथ खेल रहे हैं। ये धीरे धीरे ये खाने से शुरू होता है और रक्त से हड्डियों तक चला जाता है, रस बन के वहां तक घुस जाता है। जब ये घुस के डीएनए तक चला जाएगा तो आप क्या समझते हैं कि हनुमान जैसे बच्चे पैदा होंगे, श्री राम जैसे बच्चे पैदा होंगे, श्री कृष्ण जैसे योग पुरुष पैदा होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो आग से जलते हुए पैदा होंगे और आग ही उनके अंदर होगी और क्रोध में और ज्यादा इस वायुमंडल को दूषित करेंगे, और क्या करेंगे। लेकिन अगर हमने इस अपने पर्यावरण को बचाना है, आपने बहुत वीडियो देखी होंगी, बहुत लोगों को सुना होगा, आज भी सुन रहे हैं, बहुत लोग इस बारे में बोल भी रहे हैं कि आप इन प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दीजिए, एसी का उपयोग बंद कर दीजिए, इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कीजिए, प्रकृति के ऊपर कि धुआं मत कीजिए, कीटनाशकों का उपयोग बंद कर दीजिए। मैं मानता नहीं ये समाधान है, ये समाधान है भी नहीं।
क्योंकि ये जो चीजें हैं ये शरीर को सुविधा देने वाली चीजें ये कम नहीं होंगी, ये बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। लेकिन इनका एक समाधान जरूर हो सकता है। समाधान ये हो सकता है कि हम इन वस्तुओं को, सब की सब वस्तुओं को प्रकृति के अनुकूल बना सके, इनका प्रयोग भी कम नहीं हो सकता। किसी घर में 10 साल पहले ऐसी बहुत कम, गांव में तो मतलब ही नहीं था, और आज फिर क्या हुआ, फिर पूरे परिवार में एक एसी लगा दिया, सारा परिवार एक कमरे में ही सोता था, फिर 2 एसी लग गए, फिर 3 एसी लग गए। अब क्या है, अब उन रूम के अंदर भी एसी लगे हुए हैं जहां कोई सोता भी नहीं। ये कम नहीं हो सकता, ये बढ़ेगा। अब रसोई के अंदर भी एसी चाहिए, बाथरूम के अंदर भी एसी चाहिए, हर जगह एसी चाहिए, ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। लेकिन इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, उन मशीनों को, जो वो गैस बाहर निकलती है, जो तापमान वो मशीनें फेंकती हैं, उनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। उन मशीनों को हम इस प्रकार से तैयार करें कि वो प्रकृति के साथ मिल करके और काम कर सके। उन मशीनों को इस प्रकार से हम उनकी खोज करें ताकि समाधान भी हो जाए, मनुष्य को परेशानी भी ना आए और अपना काम भी हो जाए। अगर हम इस मशीनों और इसके ऊपर भाषण बहुत लोग दे देंगे, प्रवचन भी बहुत लोग करते हैं, जो लोग इस विषय के ऊपर प्रवचन करते हैं वही लोग उठ करके एसी में जा करके ये बोलते हैं, अरे बहुत गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी, कैसे झेलेंगे इसको और कैसे होगा। और फिर थोड़ी देर बाद एसी में लेट करके बोल रहे अब थोड़ा शांति हुई, तो वो लोग भी आपको मिलेंगे। लेकिन उन लोगों का बोलने से मतलब है, बस समाधान से मतलब नहीं है, उनको बस अपनी वीडियो वायरल करने से मतलब है। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, साथ में एसी लगा होगा, पीछे एसी लगा होगा, और बोल रहे होंगे इन मशीनों को बंद कर दिया जाए, हम इनका विरोध करते हैं, इनको नहीं चलाना चाहिए। और वो साथ में चल रहे होंगे, थोड़ा बंद करें तो इधर देखते हैं अपने शिष्यों को, अरे बंद कर दिया इसको, क्यों बंद कर दिया। वो भाग दौड़ करके एसी को फिर ऑन करते हैं, जनरेटर ऑन करते हैं। ठीक है, क्या ये समाधान है? ये समाधान नहीं है। मैं भी बोल सकता हूँ लेकिन बोलने से क्या फ़ायदा होगा, फिर जा करके शाम को फिर एसी होगा। कहीं भी आप जाओ, धर्मशाला के अंदर, होटल के अंदर, घर के अंदर, कहीं भी जाओ, गाड़ी के अंदर, कैसे बंद होगा ये बंद नहीं हो सकता। हाँ, बोला जा सकता है, प्रवचन किया जा सकता है इस विषय को लेकर के, बड़ी बड़ी बातें उड़ाई जा सकती हैं, लेकिन ये समाधान बस एक ही है इसका। हम जितने भी यंत्र बनाएं, जितना भी हम खोज करें, जितना भी हम आगे का प्लानिंग करें, बस प्रकृति के साथ तालमेल हो कि वो चीज़ें ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट ना करें, जिससे धरा का तापमान ना बढ़े, जीवों को परेशानी ना हो, प्रकृति को परेशानी ना हो। जब प्रकृति को परेशानी नहीं होगी तो वो जीवों को भी परेशान नहीं करेगी, हमें भी परेशान नहीं करेगी, और मानव जीवन फिर से प्रभावित हो जाएगा। और ये जो पशु पक्षी हर रोज हजारों की तादाद में लुप्त होते जा रहे हैं, ये लुप्त नहीं होंगे, ये आपके साथ ही बने रहेंगे। और प्रकृति में जो ये महामारियाँ, आपदाएँ, परेशानियाँ ये आ रही हैं, ये भी कम हो जाएंगी। तो आप प्रकृति के साथ मिल करके चलिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप जितनी भी खोज करें बस प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, वायुमंडल को ध्यान में रखते हुए सुख सुविधाओं की खोज करनी चाहिए, करो। हमारे ऋषि मुनि भी गर्मी के अंदर ठंड में हिमालय में चले जाते थे, और जब ठंड वहाँ ज़्यादा हो जाती तो वो नीचे ठंड में आ जाते थे, जहाँ कम ठंड होती थी, जहाँ गर्मी के दिनों में गर्मियाँ होती हैं, सर्दी के दिनों में सर्दियाँ होती हैं। तो ये शरीर है, ये सुख की सुविधाएँ चाहिए, और अगर मैं मना करूँगा तो भी भोग तो होगा ही।
तो इन चीजों को कंट्रोल करते हुए तो प्रकृति के साथ तालमेल बनाइए और प्रकृति के साथ आगे बढ़िए।